राधे श्याम दोस्तों, आज हम आपको मथुरा के वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की पावन नगरी के दर्शन कराएंगे। साथ में वृंदावन कुंभ मेले की पूरी जानकारी भी देंगे। कुंभ में आने वाले साधु संत और श्रद्धालु देवरा बाबा घाट पर यमुना नदी पर स्नान करते हैं। जब हरिद्वार में कुंभ लगता है, उससे पहले वृंदावन में लगता है। वृंदावन कुंभ को मिनी कुंभ भी कहा जाता है। पहले छोटे स्तर पर कुंभ आयोजित किया जाता था और अब योगी सरकार द्वारा इसे भव्य रूप दिया गया है और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुंभ मेला 16 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा और शाही स्नान 27 फरवरी, 9 मार्च और 13 मार्च को रहेगा। आपको यहां जरूर आना चाहिए। ये वीडियो भी 13 मार्च का है, जब हमने शाही स्नान किया। कुंभ में आपको आश्रम, पंडाल, सत्संग, झांकियां, भजन कीर्तन देखने को मिलेंगे और आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं और साथ में पुल पार करके आप बाबा देवराह की समाधि मंदिर के भी दर्शन कर पाएंगे। तो आइए हमारे साथ शाही स्नान का, कुंभ मेले का आनंद लीजिए। वृंदावन मेला 12 साल में एक बार लगता है। इस वीडियो में हम आपको सभी झांकियां, भजन कीर्तन, पंडाल दिखाते हुए देवरा बाबा घाट पर ले जाएंगे, जहां पर शाही स्नान होता है और पुल पार करके बाबा की समाधि भी दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हरि बोल। आपका इंतजार कर रहे हैं।
मेरी आवाज सुन रहे हो तो गेट नंबर 2 गोया माया जिस पर आए और अपने साथी दीपक से संपर्क करें। अरे वो हाँ घूमने के लिए प्रभु प्रभु सुनो बारी बारी से रहना पड़ेगा। बैग में रख लेता हूँ, आप मैं यहाँ पे खड़ा होगी, आप बुटी लगा के आ जाओ, क्या कपड़े पहन लेना, तुम आप भी चलोगे, मैं रखता क्या आप तुम भी चले जाओ, बुटी लगा के मैं जाती हूँ, मैं कैमरे पकड़ के खड़ा, ठीक है, फिर मैं बाद में चला जाऊँगा, ठीक है, कैसे जाना होगा प्रभु। ये वही है जमुना, यहाँ पे काले नाक के ऊपर नाच नाचे थे ना कृष्ण भगवान। चला जा चला भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ जन सुविधा की व्यवस्था है। गोवर्धन बैंक के दोनों ओर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि द्वारा 1,06,00,000 की लागत से दर्शन कर ला काली माता दे वीडियो बना, वीडियो बना, ये चल तो दे दे अच्छा चल 10 रुपए दे दे चल 40 में दादा 10 रुपए तो या ले ले दादा 10 रुपए जय 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 स्नान कहाँ से हो रहा है?
बनाया था आपके उत्सव को हम लोग बलिहार नियत के रूप में महोत्सव के रूप में हमारा परम सौभाग्य है। हमारे भी जिस ब्रज पक्षा के परम रसिक और साथ में